प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों में 33 जिलों में 33 विद्यालयों में हम लोग एक बार ये प्रयोग करेंगे कि उसकी अलग अलग पुस्तक के चार चार चैप्टरों को अलग अलग करके एक एक पुस्तक बनाएंगे, जिससे पहले फेज में जो एक पुस्तक होगी जिसमें सभी विषयों के जो चार चार चैप्टर होंगे वो एक पुस्तक में हम बाउंड करा के देंगे। बच्चे का अभिभावक का कोई खर्चा नहीं लगेगा। पिरामल फाउंडेशन जो झुंझुनू में है वो अपना सहयोग कर रही है। अगर वो हमारा जो प्रयोग है वो सफल रह गया, लोग बाग उसको सराहना करेंगे, तो हम इसको पूरे स्टेट में आगे लागू करने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रायोगिक तौर पर पूरे प्रदेश में जिले में एक एक स्कूल को हम लोग चयनित करेंगे, जिससे बस्ते का बोझ वाला भी कम होगा और जो बच्चों को पाठ्य सामग्री पढ़ाई जा रही है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या हमारे SERT का जो पाठ्यक्रम है उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना सब्जेक्ट बढ़ा करके प्राइवेट स्कूल अगर कोई बच्चे के ऊपर बस्ते का बोझ कर रहे हैं तो उनकी भी शिकायत मिलने पे हम लोग जांच कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो मान्यता लेता है सरकार से वो सरकार के नियमों को भी उसको पालना करनी पड़ेगी। हमने जो फीस के ऊपर जो गड़बड़ी की, ज़्यादा फीस मनमाने तरीके से ले रहे थे, उनके खिलाफ पहली बार कार्रवाई हुई है। लेकिन 2016 में एक एक्ट ऐसा बना दिया जिसमें खुद में ही इतनी खामियां छोड़ दी कि माननीय उच्च न्यायालय में जब वो एक्ट गया तो उस पर स्टे हो गया कि इसके आधार पर बलपूर्वक कार्रवाई किसी निजी शिक्षण संस्थान पर नहीं कर सकते। तो हमने AG साहब को ये कहा है कि आप इसको माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में लाइए कि इसमें या तो कोई सब क्लोज या धारा कोई गलत है तो उसको ठीक करें, या पूरा का पूरा एक्ट ही गलत है तो हम दूसरे तरीके से फिर नया बिल लेकर के आए। तो कुछ ना कुछ उसका फैसला माननीय उच्च न्यायालय से आने के बाद भी हम लोग इसमें भी बढ़ेंगे। कोचिंग का जो लोकबाग कोटा सीकर जयपुर में कोचिंग में है वो मनमानी फीस ले रहे हैं, बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को एक एक क्लास में बैठा रहे हैं, जो जिस टीचर के लिए विषय अध्यापक के लिए वो फैकल्टी के लिए कहते हैं, प्रचारित करते हैं, विज्ञापन करते हैं वो नहीं रखते हैं। जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं उनको भी कोचिंग में ले जा करके वो कोचिंग में पढ़ाते हैं जिनसे उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं होता। तो ऐसी जो शिकायतें जो मिली थी उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी कि अप्रूवल के बाद में एक कमेटी 24 सदस्य बनाई गई है जो इसके ऊपर सारे पर विचार करके और एक रिपोर्ट देगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर हम एक कानून बनाएंगे कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का व्यक्ति नियम के विरुद्ध नहीं चले, जिसके कारण से बच्चे डिप्रेशन में आकर आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो उसको रोकथाम के लिए भी हमारी सरकार कानून बनाने जा रही है।